नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, पटना हावड़ा रेल लाइन पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आज का ये वीडियो काफी अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये जो घटना हुई है ये पटना हावड़ा रेल खंड के झाझा रेलवे स्टेशन के पास हुई है। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जागो राखे साइयां मार सके न कोई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल होता यूँ है कि जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय शाम के करीब 7:05 पर झाझा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर आ रही होती है। उसी दौरान दो गाय तेजी से रेल लाइन के इंजन और प्लेटफार्म के बीच खाली जगह में प्रवेश कर जाती है। फिर ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक लिया जाता है। हालांकि ट्रेन की रफ्तार कम होती है। गायों को निकालने के लिए रेल पुलिस, RPF, स्टेशन मास्टर, रेलवे कर्मचारी और कई सारे युवक काफी परेशानियों के बाद गायों को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। इस दौरान गाय को हल्की चोट भी लग जाती है। शाम के करीब 7:35 पर गायों को बाहर निकाल लिया जाता है। गाय तो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है, जिसे इलाज के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेन लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना होते होते बच जाती है और ट्रेन को स्टेशन पे आधे घंटे से अधिक समय तक रोक लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी घटना के बारे में आपको बतानी थी, जिसे ट्रेन के लोको पायलट के द्वारा उन दोनों गायों की जान बचा लिया जाता है। तो आप अपनी राय हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।